तो कुछ दिन पहले मैं लापता एसएमपी के लिए सिलेक्ट हो चुका था और लास्ट एपिसोड में मैंने निजगेमर को मारने की कोशिश की थी, जो प्लान फेल हो गया था क्योंकि उल्टा उन्होंने मुझे आरटीओ भाई के साथ मिलकर ट्रैप कर दिया और उनका प्लान भी फेल हो गया बुरी तरह से। तो उस चीज को साइड पे रख के मैं स्पॉन पे अपना बिल्ड बना रहा था और वहाँ पे अचानक से आरटीओ भाई आए और कुछ ऐसा हुआ। मैंने इतनी मेहनत से साफ किया सारा, अपना जाओ साफ करो, बनाओ भाई, ये मेरा एरिया। नहीं भाई, मैंने पहले बिल्ड करना शुरू कर दिया, मेरा एरिया हो गया। मैं भी तोड़ सकता हूँ इसको, हटा ले इसने कल पूरी। इसको हटा लो भाई, ये यहाँ पे नहीं होगा, पहले कह रहा हूँ पे होगा ये नहीं होगा भाई, होगा कैसे नहीं होगा, जबरदस्ती बनाओगे इसको, यहाँ से हम तोड़ेंगे। तो हाँ, शायद आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो स्पॉन पे कुछ एरिया आरटीओ भाई ने क्लियर किया था जहाँ पे मैंने अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया था, एंड उसकी वजह से आरटीओ भाई को गुस्सा आया था शायद, एंड वो मेरा बिल्ड तोड़ने लगे। लेकिन आरटीओ भाई, क्या आपको वाकई लगता है कि आप मेरा बिल्ड तोड़ पाओगे? यस, मैंने आरटीओ भाई को काफी ज्यादा इजीली खत्म कर लिया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वाकई वो सारे एरिया उन्होंने क्लियर किया था। तो मैंने कहा चलो सही है, उनको वहाँ पे बिल्ड बनाने देता हूँ, मैं कहीं और जाके बिल्ड बना लूंगा। और फिर मैंने अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। हेलो जेडजोर भाई, कैसे हो? हेलो डार्क एंड टेरर, निज ने मेरे साथ एक प्रैंक किया था रिसेंटली, उसने मेरे को 3 बार मारा था। नहीं है भाई, बट वो अभी जो है वो मेरे को यूज कर रहा है, एंड तुम लोग को पता ही है, खास करके टेरर, तुम्हारा निज कितना अच्छा दुश्मन है। हाँ हाँ है तो। सो मैं मारने के लिए तैयार हूँ, अगर आप बुला रहे हो मैं आ जाऊंगा। सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यस यस, आ जाता हूँ फिर मैं। यस, निज गेमर ने अपने टीममेट जेडजोर को खुद ही बैटरे कर दिया था और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब मुझे निज गेमर की बेस के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे, एंड अब आगे क्या होता है वो आप लोग खुद ही देखो। लेकिन उससे पहले, जब मैंने आरटीओ भाई को मारा था उससे कुछ देर पहले, एक और बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी जिसको देखने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? हाँ, क्या हुआ भाई? लोल। अरे मर गए ओपियो, मुझे ट्रैप किया था, खुद ही मर गया। आप भी तो मरे ना। उसका असर, उसका अदर 20 ब्लॉक दूर तक असर पड़ा भाई। अभी कहाँ हो आप लोग, क्या हुआ? गुंडा भाई, मेरे हाथ में टोटम था, ऐसे टोटम फूटा, वो माइनक्राफ्ट वाला था ना, मुझे लग रहा था आप इसलिए डायमंड मांग रहे हो इसके लिए। आया लेडी न्यू। ओ सॉरी ओपियो, क्या हो गया ये आपके साथ? ओपियो के साथ थोड़ा सा हादसा हो गया था, एंड उसी के साथ साथ मुझे एक फ्री हार्ट भी मिल गया था, एंड उसके बाद हम लोग गए निज गेमर को मारने के लिए। मार दिए। कमन कर सकते हैं। चलो इधर से। आओ पकड़ लिया, जल्दी जल्दी गाइस, पकड़ लिया ना। अरे वो ऊपर जा रहे हैं। व्हाट, एलिवेटर किसने बना लिया भाई? जल्दी मारो। अरे एलिवेटर किसने, जाओ डार्क पे भाई, जाओ। नहीं, पकड़ो उनको, पकड़ो जल्दी करो। उनका स्पॉन आई एम प्रीटी श्योर उधर ही सेट है। मार दो उनको, ठीक है, छोड़ना नहीं। उन्होंने टीपी क्या कहीं पे? हां मेरे पास ही है। वापस आ रहे हैं टावर बोल देते, बेस के पास आ रहे थोड़ा। एलिवेटर, मैं इधर ही हूं, जल्दी करो, इनमें से वो मेरे को मारने आ रहे। अरे वो डार्क वेब है। डार्क वेब तुम किसके पास हो भाई? वो कहां गए? वो पल कर रहे हैं, बाहर ही है, बाहर की तरफ आओ, बाहर की साइड आओ, बाहर की साइड। जल्दी करो, भाग रहे हैं भाई वो। भाई क्या हो रहा है, आपने जल्दी अटैक कर दिया यार, मैं बुझाओ थोड़ा। देखो अब एक काम कर सकते हैं, अभी ना रिप्ले लगाओ यार, रुको रिप्ले लगाओ। ओए मैं मरा तो नहीं कॉम्बैट में? ब्रो यू डाइड। मर गया क्या? डू डाई। Yes, no. Oh shit. मरे। जल्दी उन कॉर्ड्स पर जाओ जो मैंने बताए थे। निस्का, ये रहा, मारो। जल्दी करो, मैं निकाल लेता हूँ, बाकी एक साथ जाए। Yes, मैं आ गया।
ने एक बार फिर से मुझसे एस्केप कर लिया था, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद वो मुझे एएफ के खड़े हुए मिले, मतलब खुले में एएफ के खड़े हुए थे भाई वो, एंड मैंने मौके का फायदा उठा के छिंग छिंग कर दिया। निस गेमर लैग हो रहा है भाई। One, two, click second. Oh my God. Let's go. Oh my God. अरे भाई, अरे ब्रो, एक सेकंड, कुछ मत उठाना, एक सेकंड भाई, 1-2 से, एंड यस, इस तरह से मैंने निस गेमर को मार दिया था, और उसके बाद मेरे टीममेट्स ने निस गेमर को स्पॉन ट्रैप कर दिया था, क्योंकि हमें उनके बेड की लोकेशन पता थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि निस गेमर को स्पॉन ट्रैप करने से पूरा सर्वर हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, और इसी तरह से लापता एसएमपी में अब एक वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। मैं तो यहाँ पे वॉर तो स्टार्ट हो चुकी थी और सब लोग स्पॉन पे फाइट कर रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं खेल रहा था, और बस लोग मुझे मारे जा रहे थे और मैं उनको मारने दे रहा था फॉर सम रीजन, और भाई मैं तो मतलब फुल मजे में खेल रहा था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी की वजह से ऐसा ऐसा मेरे पास बहुत कम रिसोर्सेस हो गए थे, एंड फिर जब वो लोग मुझे मार नहीं पाए तो उन लोगों ने चैलेंज किया कि भाई 2v2 होगा, टेरर एंड सिंपा स्पाइडर वर्सेस आरटीयू एंड निस। पीछे से आओ, पीछे से, यहाँ पे पता लगे कि हमारे पास 10 गोल्डन एप्पल है मिलके दोनों के पास। बस भाई, बस झूठ बोलने ज्यादा भाई, 5 तो मैंने दिए दोनों को, देखते हैं भाई क्या होने वाला है इनका। नहीं 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 जी भाई, कमेंट्री चालू करो। नहीं नहीं नहीं, अंदर रुक, क्या लगता है ना, प्लीज प्लीज। अरे नहीं खाना मेनू। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आरटीओ भाई को काफी अच्छी तरह से मार रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि अभी के लिए हमें पीछे हटना पड़ेगा, पूरा सर्वर हमारे अगेंस्ट चला गया, वो लोग हमें मार तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई नहीं बच पाएगा।